दोस्तों एक बार फिर आपके समक्ष प्यारा सा कहानी लेकर के उपस्थित हूँ, जिस कहानी के माध्यम से हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे, साथ साथ इंग्लिश का हिंदी अनुवाद करना सीखेंगे और नए नए वर्ड मीनिंग भी सीखेंगे जो हम लोग को इंग्लिश पढ़ने, लिखने और बोलने में सहायता करेगा। दोस्तों अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता तो घबराने की कोई बात नहीं है, अगर आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता तो घबराने की कोई बात नहीं है, अगर आपको इंग्लिश का हिंदी अनुवाद करने नहीं आता तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप डायमंड ड्रिंक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इनके सारे वीडियो को देखिए, आप निश्चित इंग्लिश सीख जाएंगे दोस्तों। अब इसमें आपको समय लगने वाला है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, सारे वीडियो को देखिए, निश्चित ही सीख जाएंगे। तो चलिए बिना देर के इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं दोस्तों। कहानी का टाइटल क्या है दोस्तों? द टू फ्रॉग्स, यानी कि दो मेढक, यानी कि दो मेढक की कहानी है प्यारे दोस्तों। बहुत रोमांचक कहानी है तो कृपया इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। आप पिक्चर में देख सकते हैं ये दो मेढक है, इसकी कहानी है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देयर लिव्ड टू फ्रॉग्स हु वर बेस्ट फ्रेंड्स। क्या था दोस्तों? देयर लिव्ड टू फ्रॉग्स हु वर बेस्ट फ्रेंड्स, यानी कि किसी भी सेंटेंस के जब शुरू में देयर लगा रहता है तो उसका अर्थ कुछ नहीं होता है, अननोन होता है। यानी कि दो मेढक लिव्ड यानी रहता था। यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया दोस्तों, क्योंकि यह सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। दो मेढक रहता था। हु, जब किसी सेंटेंस के बीच में हु लगा रहता है तो उसका अर्थ हो जाता है दोस्तों जो। दो मेढक रहता था जो अच्छे दोस्त थे। क्या था दोस्तों? दो मेढक रहते थे जो क्या थे? अच्छे दोस्त थे। वन डे मीन्स होता है दोस्तों एक दिन। एज दे वर हंटिंग फॉर फूड, एज मीन्स यहाँ पर होगा दोस्तों जब। वे भोजन के लिए, फूड मीन्स होता है दोस्तों भोजन, भोजन के लिए हंटिंग यानी शिकार कर रहे थे। वे जब भोजन के लिए शिकार कर रहे थे, दे रिच द बैक यार्ड ऑफ ए स्वीट शॉप। क्या होता है दोस्तों? वे जो है ए स्वीट शॉप यानी एक मिठाई की दुकान, स्वीट मीन्स होता है दोस्तों मिठाई का दुकान, स्वीट शॉप यानी मिठाई के दुकान की बैक यार्ड यानी पीछे में रिच यानी पहुंच गए। क्या हो गया दोस्तों? एक दिन जब वह भोजन के शिकार के लिए क्या कर रहे थे, जा रहे थे, तो क्या हो गया? दे रिच द बैक यार्ड ऑफ द स्वीट ए स्वीट शॉप, एक मिठाई के दुकान के पीछे पहुंच गए। इट वॉज फिल्ड विथ कलरफुल कैंडी। क्या था दोस्तों? यह जो था रंग बिरंगे कैंडियों से फील्ड यानी भरा हुआ था। जार ऑफ जाम यानी जाम के जार से, और कार्टून ऑफ कुकीज और कुकीज के कार्टून से भरा हुआ था। एंड दे वर फैसिनेटेड बाय द स्मेल एंड डिसाइडेड टू एक्सप्लोर द प्लेस। क्या किया दोस्तों? वे जो है यानी कि मेढक जो थे, क्या किए? वो स्मेल के द्वारा ने उसके सुगंध से क्या हो गया? मोहित हो गए। फैसिनेटेड मीन्स क्या होगा दोस्तों? मोहित हो गए। एंड डिसाइडेड टू एक्सप्लोर द प्लेस, और जगह को खोजने के लिए निर्णय लिए। क्या किए दोस्तों? अपना जगह को खोजने के लिए निर्णय लिए कि कहाँ चला जाए। द फ्रॉग वेयर थर्स्टी एंड फाउंड ए कार्डन कैलड्रोन ऑफ मिल्क। क्या हुआ दोस्तों? ये जो फ्रॉग जीते, ये मेढक जो था तो दोस्तों क्या था? द फ्रॉग वेयर थर्स्टी यानी कि मेढक क्या था? प्यासा था। थर्स्टी मीन्स होता है दोस्तों प्यासा। एंड फाउंड ए कॉल्ड्रोन ऑफ मिल्क, कॉल्ड्रोन ऑफ मिल्क यानी कि मिल्क का एक हंडा। यहाँ पिक्चर में देखिए ये मिल्क का हंडा है। क्या हुआ? मिल्क के हंडा को क्या हुआ? पाया। एंड फाउंड ए कॉल्ड्रोन ऑफ मिल्क, एक मिल्क के अंडा को पाया। एंड दे जम्प इन टू इट, और क्या हो गया दोस्तों? वे जो है इसमें जम्प यानी कूद गया है, आप देख सकते हैं इसमें कूदा हुआ है। एंड सून दे रियलाइज इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पूल, और तुरंत ही वे उन्हें मालूम हुआ या समझ में आ गया कि यह जो है ऑर्डिनरी पूल एक असाधारण पूल के अलग था। क्या उसको मालूम हो गया कि एक साधारण पूल से, ऑर्डिनरी मीन्स होगा दोस्तों साधारण और पूल मीन्स होगा पूल, ये साधारण पूल से अलग था। उसे मालूम हुआ कि यह पूल नहीं है, ये साधारण पूल से अलग है। एंड स्विमिंग इन इट नीडेड मोर एफर्ट। क्या उसे महसूस हुआ दोस्तों? इसमें जो है इट नीडेड मोर एफर्ट यानी कि स्विमिंग करने के लिए यानी तैरने के लिए इनमें उसे क्या लगता था? मोर एफर्ट, अधिक प्रयास की जरूरत थी। यानी कि वह जो है दूध वाला जो घंटा था उसमें उसे तैरने के लिए अधिक एफर्ट लगता था। एंड दे इंजॉय देम सेल्फ फॉर सम टाइम, लेकिन वे क्या हुआ दोस्तों? कुछ देरों के लिए, सम टाइम्स मीन्स क्या होगा दोस्तों? कुछ देरों के लिए क्या हुआ? देम सेल्फ, अपने आप में क्या किया? मजा किया, इंजॉय किया।
बट लेटर, लेकिन बाद में, लेटर मीन्स क्या होगा दोस्तों, लेकिन बाद में वन फ्रॉग सेड ही वॉज टाइर्ड। वन फ्रॉग यानी कि वन जो है मेंढक था, कहा ही वॉज टायर्ड, वह थक गया था। क्या कहा कि वह थक गया, एंड वॉन्टेड टू गेट आउट बट वॉज टू एग्जॉस्टेड। क्या कहा दोस्तों, वह जो है वॉन्टेड टू गेट आउट, वह बाहर निकलना चाहते थे। गेट आउट मीन्स दोस्तों बाहर, वॉन्टेड यानी चाहते थे, बट वॉज टू एग्जॉस्टेड, लेकिन बहुत थका हुआ था। एग्जॉस्टेड मीन्स क्या होगा दोस्तों, थका होना महसूस किया, बहुत थका हुआ था। द अदर डिड नॉट गिव अप एंड कंटिन्यू स्विमिंग। क्या हुआ दोस्तों, ऑदर जो था, दूसरा मेढक जो था, गिव अप नहीं किया। क्या नहीं किया, यानी कि नहीं तैरना बंद किया, एंड कंटिन्यू स्विमिंग, और लगातार क्या करता रह गया दोस्तों, तैरता रह गया। एंड स्लोली, और धीरे धीरे, स्लोली मीन्स क्या होगा दोस्तों, धीरे धीरे द मिल्क टर्न टू बटर। क्या हो गया दोस्तों, जो है मिल्क जो था टर्न टू बटर, यानी कि दूध जो है बटर यानी मक्खन में परिवर्तन हो गया। व्हेन ही बिगन फ्लोटिंग, वह जब तैरना बिगन शुरू किया था, ही मैनेज टू जंप आउट, वह क्या कर लिया दोस्तों, जंप आउट यानी बाहर कूदने के लिए मैनेज कर लिया। एंड इसका कहानी का मोरल क्या है दोस्तों, डिटर्मिनेशन एंड पैशंस हेल्प वन ओवरकम ऑल ऑब्स्टिकल्स। यानी डिटर्मिनेशन माने होता है दोस्तों दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय, और जो है पैशंस मीन्स होता है धैर्य, दृढ़ निश्चय और धैर्य जो है किसी को क्या करता है, किसी भी मुसीबत से ओवरकम करने में, यानी कि उसको पार करने में सहायता करता है। तो अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको एकदम डिटर्मिनेशन करना है, दृढ़ निश्चय लेना होगा कि हमको इंग्लिश सीखना है, और आपको धैर्य रखना पड़ेगा। एक न एक दिन आप इंग्लिश निश्चित ही सीख जाएंगे दोस्तों। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे वीडियो को देखिए। आपके लिए मैं हर दिन एक नए नए वीडियो लेके आता रहूंगा और आपको इंग्लिश सीखने में मदद करूंगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई डियर इंग्लिश लर्नर।